नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। इस समय प्रदेश की राजनीति या यूं कहें देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, आज मैं बात उसकी करूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए यहां पर संभागीय संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी हैं, साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी हैं। पहला सवाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष से, संगठन आपका उतनी तेजी से काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, आखिर ऐसी क्या वजह है? देखिए, रीवा जिले में संगठन पूर्णतः सक्रिय है। हमने 2013 पोलिंग बूथ में अपनी कमेटियां बनाने की कवायद पूरी कर ली। हमारे आज हम यहां बैठे हुए हैं, हम अभी आए आपकी प्रेस वार्ता में, तो हम दो जगह अपने बूथ के जो लेवल एजेंट्स हैं इनका जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका संपादन करके आए हैं। और आज रीवा लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभाओं के PLA का प्रशिक्षण कार्य खत्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये प्रशिक्षण कार्य पहली बार नहीं हो रहा, ये मंडलम सेक्टर के कार्यकर्ताओं का PLA का प्रशिक्षण कार्यक्रम का ये तीसरा दौर। हम लोग बूथ लेवल तक कांग्रेस का को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप देख लीजिए, स्थानीय लेवल पे जो कोई ऐसे इशू आते हैं तुरंत जिला कांग्रेस कमेटी उसे रेज करती है। हम चुनाव की पूर्णता तैयारी में हैं और आपको परिणाम अच्छे दिखाई देंगे। तो क्या ये माना जाए निकट भविष्य में चुनाव, तो अब तैयारियाँ आपने खुद ही बता दिया, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार अगर बात की जाए तो आपका खाता जीरो था, क्या संभावनाएं देखते हैं? प्रत्याशियों के लिए कुछ दिमाग में फीडबैक प्लान किया? देखिए, पिछले चुनाव के परिणाम और इस चुनाव के परिणाम भिन्न भिन्न होंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस को विंध में उतनी सफलता नहीं मिली, या यूं कहिए हमारे 8-0 का परिणाम था, पर उसके अलग कारण थे और वो अपन कभी अलग से चर्चा करेंगे उसके बारे में। पर इस बार आप देखिएगा कि विंध में कांग्रेस अच्छी सीटों के साथ ऊपर आएगी, और उसका जो मूल कारण है वो है कि प्रदेश की जनता, देश की जनता और विंध की जनता, ये सब बढ़ी हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार का भ्रष्टाचार, झूठी मुख्यमंत्री की घोषणाएं, इससे त्रस्त हो गए। बदलाव का मानस बन गया है जनता का। और जब अभी 2018 तक हम लोगों ने चुनाव लड़ा तब हमारा संगठन इतना मजबूती से जमीन में कभी नहीं रहा। संगठन इतना मजबूती से जमीन, अभी मैं आपसे और बात करूंगा जी। संगठन इतना मजबूत नहीं रहा जितना इस बार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष का ऐसा कहना। आप संगठन प्रभारी हैं जी, ऐसा क्या हुआ कि संगठन मजबूत हो गया? देखिए, पहले जो यहाँ परंपरा थी, कुछ नेताओं के या नेतृत्व के आधार पर संगठन काम करता था। पहली बार यहाँ के कार्यकर्ता ने ये महसूस किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि वो कार्यकर्ता को तरजीह देकर सभी नेताओं में एकजुटता स्थापित करके संगठन का महत्व पूरे जिले में स्थापित करना चाहते हैं, और रीवा जिले की जवाबदारी उन्होंने मुझे दी। पूरे प्रदेश में इसी तरह से जिला अनुसार प्रभारी बनाए गए हैं, तो उसमें हमने जिला कांग्रेस कमेटी का अच्छे योग्य व्यक्तियों का चयन किया जो संगठन में दक्षता रखते हैं और पारदर्शिता से काम कर सकते हैं और सक्षम हैं काम करने के लिए। पूरे नए ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए, उप ब्लॉक बनाए, 24-25 ऐसे ब्लॉक अध्यक्षों का चयन किया गया। इसके बाद जो कमलनाथ जी का कंसेप्ट था, मंडलम, मंडलम के बाद सेक्टर, और 5-5 पोलिंग पर, 4-4 पोलिंग पर एक एक सेक्टर हमने बनाया। आपका कहना है कि आपने नीचे से ऊपर तक की तैयारी कर रखी है। निकट भविष्य में चुनाव होने हैं, उस समय आपके कार्यकर्ताओं की जो भी आपकी टीम है वो दिखाई दे जाएगी। हम संगठन से जरा आज की राजनीति की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। एक मुद्दा इस समय छाया हुआ है 50% का, आपकी बड़ी नेता प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के खिलाफ। प्रदेश की बात की जाए 41 जगह FIR हो गई है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस कभी FIR से डरती नहीं है, सच बोलने से नहीं डरती, जनता की आवाज़ बोलने से या उठाने से कांग्रेस को कभी कोई परहेज नहीं हुआ है। यदि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार कर रही है, चाहे वो कारम बांध का प्रोजेक्ट हो, चाहे महाकाल लोक या महाकाल के मंदिर के निर्माण में 50% का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पटवारियों की भर्ती में, शिक्षकों की भर्ती में 15-15, 20-20 लाख रुपए लेने की बात हो, चाहे वो
व्यापम में हुए भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे जो प्रोजेक्ट ओवरब्रिज, सड़कों का निर्माण, फ्लाईओवर, जो ठेके दिए जा रहे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों, गुजराती कंपनियों को ही क्यों दिए जा रहे हैं। नल जल योजनाएं, जो जल जीवन की योजनाएं चल रही हैं, उनको गुजरात की कंपनियां ही क्यों कर रही हैं? क्या वो ठेकेदार मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या वो हमारे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट रीवा के लोगों को नहीं मिल सकता? एक से एक बढ़िया इंजीनियर हैं, एक से एक बढ़िया काम करने वाले हैं। मतलब ये साफ जाहिर होता है कि आप चुनी हुई पार्टियों को ही टेंडर देते हो, ठेका देते हो। ये खुल गया महाकाल लोक में 50% भ्रष्टाचार का, कल ही खुल गई। आप देखिए वहां पर जो मूर्तियां लगाई थी, पहली उसमें टूट गई, हवा में टूट गई, वो भी गुजरात की एक पार्टी है। हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी ग्वालियर बेंच को उन्होंने एप्लीकेशन दी है और ये कहा है कि उनके ठेके का भुगतान, उनके काम का भुगतान बगैर 50% कमीशन दिए हुए पूरा नहीं होता। अब उसके अगेंस्ट ये सच कहने की बात, यदि प्रियंका जी ने करी है, कमलनाथ जी ने करी है, या हमारे दिग्विजय सिंह ने करी है, या जयराम रमेश ने करी है, या हम सब ने करी है,